कन्याकुमारी से अब हम राजस्थान से निकल रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जब शुरू किया तो प्रेस के हमारे मित्रों ने कहा था कि देखो ये साउथ में सक्सेस रहेगी, मगर जब साउथ से निकलेंगे तो सक्सेस नहीं होगी। फिर महाराष्ट्र में कहा कि हाँ महाराष्ट्र में सक्सेस हो गई, मगर हिंदी बेल्ट में सक्सेस नहीं होगी। और फिर हिंदी बेल्ट में जब हम आए, कहा अच्छा मध्य प्रदेश में सक्सेस हो गई, बट अब राजस्थान में फैक्शनलिज्म है, वहां पे सक्सेस नहीं होगी। और आपने बहुत क्लियरली देखा कि राजस्थान में बहुत लोग आए, लाखों लोग आए, हमारे संगठन ने बहुत अच्छा इफेक्टिव काम किया और शायद सबसे अच्छा रिसेप्शन इस यात्रा का राजस्थान में हुआ। यात्रा के लक्ष्य तीन हैं। सबसे जरूरी कि हम हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते हैं, जो नफरत हिंसा और डर की राजनीति बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम खड़ा होना चाहते हैं। ये मैसेज बहुत अच्छी तरह देश में गया है, बहुत अच्छा रिसेप्शन हुआ है इस मैसेज का, ये लोग सुनना चाहते हैं। ये राजनीति करने का एक दूसरा तरीका है, कांग्रेस का तरीका है, गांधी जी का तरीका है। दूसरे दो मैसेजेस हैं, एक जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ, और दूसरा जो महंगाई और जो इनकम इनक्वालिटी हो रही है, जो चुने हुए लोगों को बहुत सारा फायदा मिल रहा है और हमारे जो किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, युवा हैं, उनका नुकसान हो रहा है। तो ये हमारे तीन मुद्दे थे। अगर आप चाहते हैं मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं या हिंदी में, ठीक है?